अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर क्लाइमेट में कौन कौन से फैक्टर हैं, क्लाइमेट वेदर, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। तो लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है ये हम आज पढ़ेंगे। वेदर इज द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, एयर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक खास वक्त में, एक खास जगह पे, जो उस जगह का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की कंडीशन या एटमोस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन, हवा की कंडीशन क्या है। ठीक है, हवा की स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, उसको हम कहते हैं जी वेदर। इसको आप कर लें हाईलाइट। ठीक हो गया। वेदर चेंजेस विद टाइम व्हाइल द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर जो है वो वक्त के साथ चेंज होता है, वाइल द क्लाइमेट जो है ये एवरेज वेदर कंडीशन होता है एक खास जगह का, दैट परसिस्ट देयर फॉर लॉन्ग टाइम, जो वहाँ पे बहुत अरसे तक रहता है। इट इज़ यूजली टेकन ओवर 25 to 35 years। ठीक है, किसी भी जगह का क्लाइमेट चेंज होने में 25 से 30 साल, 35 साल लगते हैं। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज दैट वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टडी ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन। इनका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो वेदर है ये थोड़े अरसे के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ठीक हो गया। वेदर तो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। आज अगर कोई मौसम किसी तरह का है तो कल किसी तरह का होगा, लेकिन क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है वेदर का। ठीक हो गया। तो ये हमारा डिफरेंस था वेदर और क्लाइमेट का। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।